गौरवी सिंघवी ने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है और ऐसा करने वाली वो दुनिया की सबसे युवा ओपन वाटर स्विमर बन गई है। उन्होंने ये 13 घंटे 28 मिनट में तैर कर पार किया था। गौरवी स्टेट स्विमिंग चैंपियन है। वो अब तक 43 गोल्ड, 19 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। गौरवी ने बताया कि जब वो चलना भी नहीं सीखी थी तब से स्विमिंग कर रही है और उनका सपना था कि इंग्लिश चैनल को पार करना है, जो कि पूरा हो चुका है। मैंने स्विमिंग एक बहुत ही छोटी एज से स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक मैं चलना सीखी उससे पहले मैं पानी में थी। एंड ग्रेड 2 से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स खेल रही हूँ और तब से मैंने बहुत बार उदयपुर और राजस्थान को नेशनल्स पे भी रिप्रेजेंट किया है। पर मैंने ये अपनी ओपन वाटर की जर्नी अबाउट 2017 में उदयपुर के एक 1 किलोमीटर स्विम से स्टार्ट की। वो एक अडल्ट रेस थी जिसमें मैं जीती और उसके बाद मेरी ओपन वाटर की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने उदयपुर में एक 17:37 और फिर 47 किलोमीटर की टीम स्विम भी की। इसके बाद मेरा ये छोटा सपना था कि मैं इंडिया को इंग्लिश चैनल स्विम करके रिप्रेजेंट करूं। एंड इट इज़ माय ऑनर टू एज एन इंडियन क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल ऑलमोस्ट सबसे पुराना चैनल है जिसमें स्विमिंग की जाती है। एंड 1875 में सबसे पहले कैप्टन वेब ने जब स्विम किया था चैनल को, उसके बाद द फेलियर रेट हैज़ बीन 40%। तो 10 में से 4 लोग इस चैनल को करते हुए फेल हो जाते हैं। एंड टू सक्सेसफुली स्विम इट इज गिव्स मी अ वेरी प्राउड फीलिंग। जब मैंने इंडिया में स्विम किया था तो डिफ़िकल्टीज एकदम अलग थी। यहाँ का पानी बहुत गर्म होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके अलावा जो पानी की गंदगी है उससे आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि उल्टियाँ आती हैं। जो सीलिंग के पास राजीव गांधी सेतु पे जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा नौशिया होता है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी जो सूरज लाइन्स हैं उसमें से उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ फिशिंग नेट्स बहुत मिलती है जिसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, तो वो मेरी थाइस को रब कर गई थी जिससे मेरी थाइस नंब हो गई थी। प्रॉन बाइट्स थे मेरे लेग्स पे, जो जेली फिश थिंग्स थे उससे भी मेरे को काफ़ी तकलीफ हुई थी। तो आई थिंक इंडिया के अपने अलग चैलेंजेस थे, बट वो भी एक बहुत अच्छी स्विम थी। इंग्लिश चैनल में मैंने रात को 3 बजे सैम्प फायर हो बीच से स्टार्ट किया था और एंड किया कैप ग्रीने में 4:28 पर, और ये टोटल स्विम 13 hours and 28 minutes की थी। ये डोवर के पास एक बीच है जहाँ पे इंग्लिश चैनल में 2 जगह होती हैं जहाँ से चैनल स्टार्ट होता है, या तो सैम्प फायर हो बीच या फिर एक दूसरा बीच है शेक्सपियर बीच के नाम से, वहाँ से। तो मैंने अपनी स्विम डोवर में सैम्प फायर बीच की थी। द डिच इज़ अ प्लेस जहाँ पे टाइड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है और वहाँ पे यूजुअली लोग स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि टाइड्स वहाँ पे क्लैश होती हैं। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं हो तो आप 4 से 5 घंटे वहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन आई वॉज लकी टू हैव क्रॉस्ड इट एंड आई थिंक दैट इज़ टू हैव क्रॉस्ड इट इन सफिशेंट टाइम एंड दैट इज़ वाई आई थिंक। I don't know, I have never followed one person, but I think I've always gone with the flow and done whatever swim was in my way. I think I am very lucky to have a very supportive family. My mother has been there in every practice swim that I have done, and my father has never stopped me and has encouraged me to do whatever swim I want. So I think it is very important to have the support of the family, because in the Indian society the girls are not given as much preference in sports as in general, and boys are sometimes given preference for adventure sports, but I've been fortunate because of my of the support of my family. And I think I'm very lucky to have this opportunity to fulfill my dreams, and I hope other girls who can get the opportunity also come forward and do something different and do something that they dream of. I think the society is changing now and the girls are having more and more opportunities, but I think even the government should start some initiative where they can get more opportunities, not only in the field of sports but also in different fields.
Yeah, so I've been preparing for almost 2 years, and I practiced throughout the Rajasthan cold in the pool last year, and before I went almost 1.5 months ago, I did a 14.5 hour swim in Udaipur, so I was confident about my stamina. And then when I reached in London, I went to Dover on the weekends, where there is a group called the Dover Channel Training. So during the weekends, I did swims ranging from 4 to 8 hours every weekend. I still don't know what my next one is, because I think for so long I've been so focused on the English channel, I still have to figure out which my next swim would be. And I think first I need to get back to school also. I think not just the girls, but all the youth of India, I think I will tell them to go out and do something different, do what they dream of, and not give up on their dreams because of social stereotypes or any other reason. I think I'll just say they should go for it. It is all based on your speed, but the English channel has, or the any other open water swimming has no limits. The weather, the waves, the tides, they can be predicted, but are also sort of unpredictable. And, you know, it's basically got no limits, is what I have to say. But it's